वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में। मैं राकेश सलरेजा आपसे प्रोबेबिलिटी के बेहतरीन कंसेप्ट विथ एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का पांचवा लेक्चर होने वाला है और इसमें मैं टाइप टू के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। टाइप वन के क्वेश्चंस ऑलरेडी 4 वीडियोज़ में डिस्कस्ड है, आप जाइए और वहाँ जाकर पहले टाइप वन अच्छे से सीख कराइए और उसके बाद आप टाइप टू का मतलब ये वीडियो नंबर 5th ऑन कीजिएगा। सुनते हैं टाइप टू की हेडिंग क्या है। टाइप टू की हेडिंग है पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी। अब इसके लिए आपको मैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ऑल दो आई नो कि आपको सारा कुछ पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में शुरू से पता है, आप भारी टैलेंटेड हैं इस मामले में। एक बार मैं कोशिश करके थोड़ा बहुत बता देता हूँ, हालांकि आपको सब कुछ पता है। चलो चलो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। टोटल कार्ड्स पैक ऑफ कार्ड्स में ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं भाई? 52 टोटल होते हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, कितने इसमें सूट होते हैं? तो एक होता है स्पेड का, एक होता है विच इज क्लब का, एक होता है हार्ट का और एक होता है डायमंड का। ये 4 उसमें सूट होते हैं। ठीक है, स्पेड माने हुक्म, क्लब को चीड़ी बोलते हैं, हार्ट को दिल और डायमंड को ईट वाला पत्ता बोलते हैं। अब इसके 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते, तो 13 चौके टोटल कितने पत्ते हो गए? 52। आ गई बात समझ पे? इन 13 पत्तों में क्या क्या होता है सर? इन 13 पत्तों में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगी राजा रानी गुलाम, एक एस होगा जिसको अपन इक्का बोलते हैं, फिर नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके नंबर 10 तक गिनतियाँ चलती हैं। ये हो गए 13 पत्ते। ठीक है, और ये जो 13 पत्ते हैं, ये जो सेट मैंने आपको बताया, ये हर एक में होता है, हर एक में। मतलब कि इन 13 पत्तों में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, नंबर 2, नंबर 3 करके 10 तक की गिनती है। अरे पकड़ो, ऐसे ही इन 13 पत्तों में यही पूरा सेट है और इन 13 पत्तों में यही पूरा सेट है। तो व्हाट माय पॉइंट इज कि यही सेट जो है ना 3 और 12 मतलब टोटल 4 बार रिपीट होता है। गॉट इट? स्पेड और क्लब का जो कलर होता है ना वो होता है ब्लैक, और हार्ट और डायमंड का जो कलर होता है ना वो होता है रेड। तो पेपर में ये पूछता है कि भाई ब्लैक कलर का कार्ड लाना, रेड कलर का कार्ड लाना, ये भी कहता है। तो आपको पता रहे कि भाई स्पेड और क्लब दोनों के 13-13 पत्ते हैं और दोनों ही ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 26। हार्ट और डायमंड दोनों के 13-13 पत्ते हैं तो रेड कलर के कितने कार्ड हो गए? 26 52 कार्ड्स टोटल बनते हैं। ठीक है, तो इस वाले गणित के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ किंग्स, कि भाई ताश की गड्डी में टोटल कितने किंग होते हैं, तो इन 13 पत्तों में एक किंग, इन 13 में एक किंग, इनमें एक किंग, इनमें एक किंग, तो टोटल कितने किंग हो जाएंगे? 4। तो हर एक पत्ता 4 बार होता है, क्वीन भी 4 होती है, जैक भी 4 होता है, एस भी 4 होता है, हर एक पत्ता 4-4 बार होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग ऑफ हार्ट, अगर वो ये आपसे पूछे नंबर ऑफ किंग ऑफ हार्ट, तो भाई ठीक है, भाई टोटल जो है 4 किंग है जिसमें से एक ही हार्ट वाला होगा ना, एक क्लब वाला होगा, एक स्पेड वाला होगा और एक डायमंड वाला होगा। कंटेंट आ रहा है समझ में? तो अगर आपसे कोई एक पर्टिकुलर सूट का पूछे तब तो उसमें एक ही पत्ता होगा ना, तो हार्ट वाला एक ही पत्ता है लेकिन टोटल 4 किंग है। हार्ट वाले एक ही किंग है लेकिन वैसे टोटल 4 किंग है। आया वी आर पॉइंट समझ में? कुछ कुछ आपसे और डेटा वो पूछता है, नंबर ऑफ फेस कार्ड आपसे पूछता है। नंबर ऑफ फेस कार्ड कहने का मतलब है जिनका फेस होता है। तो अगर आपको ताश की गड्डी याद आ जाए तो आपने 3 तरह के पत्तों का फेस देखा होगा, एक आपने किंग का, एक आपने क्वीन का और एक आपने जैक का। तो राजा रानी गुलाम का फेस होता है, तो राजा होते हैं 4, रानी होती है 4, गुलाम होते हैं 4, तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 12। एक्सेप्टेड। आपसे ये पूछता है भाई नंबर ऑफ ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड कहने का मतलब ये होता है कि आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा जिसको अपना हीरो लास्ट में दिखाता है और जीत जाता है, तो ऑनर कार्ड वो होता है जो दिखाने से अपन जीत जाते हैं। तो ऑनर कार्ड में शामिल किया गया है किंग, क्वीन और जैक को, राजा रानी और गुलाम को, और एक और होता है वो होता है एस, इक्का। तो इक्का, राजा रानी और गुलाम, ये जो 4 हैं वो ऑनर कार्ड माने जाते हैं। तो हर एक 4 होता है तो 4 चौके हो जाएगा 16। गॉट इट?
आप गूगल पे सर्च करोगे या कहीं और अगर सर्च करोगे तो नंबर ऑफ ऑनर कार्ड समटाइम्स 20 दिखाता है। मतलब यह है कि वो जो दहला होता है ना उसको भी वो ऑनर कार्ड कंसिडर करता है। तो वो गेम बाय गेम वेरी करता है, ये शायद आपको पता हो कि तीन पत्ती खेलो या फिर जो है बाजार खेलो तो अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं उसमें। तो व्हाट माय पॉइंट इज, हमारे एग्ज़ाम में ना ऑनर कार्ड जो है 16 ही एक्सेप्ट किए गए, बाकी अलग अलग गेम के हिसाब से डिपेंड करता है। कहीं कहीं पर दहला को ऑनर कार्ड मानते हैं, कहीं कहीं पर दहला को ऑनर कार्ड नहीं मानते, तो हमारे एग्ज़ाम में नहीं मानते, तो इसलिए मैंने नहीं माना है। ओके, तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ऑनर कार्ड कितने हैं? 16। कौन कौन से सर? राजा, रानी, गुलाम और इक्का। कंफर्टेबल है इसमें अपन? ठीक, यही चार, दहला मैंने नहीं लिया। चलिए, ये हो गई पूरी की पूरी थ्योरी पैक ऑफ कार्ड्स की। आप इसे जो है कॉपी करेंगे और फिर मैं क्वेश्चन में इस थ्योरी को अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते। नंबर वन में लिखा हुआ है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। बोल रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से, देखो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, भाषा तो मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो आप किसी भी मीडियम के हो आपको ये वीडियो लेक्चर हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, बस आपका पर्पस वो सीखने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन हिंदी में समझा रहा हूँ ना, सुनो ना, अगर मान लिया लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ने में नहीं भी आई तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखो, आपको बहुत आराम से आ जाएगा। बोल रहा है कि 52 ताश के पत्तों में गड्डी में से हम लोग को एक पत्ता सेलेक्ट करना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फेस कार्ड हो जाए। ठीक है, चलिए सुनते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा। इसके ऊपर के चार लेक्चर से मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सिखाई है, कष्ट उठाइए पहले चार लेक्चर देख के ही अगर आपने नहीं देखे हैं तो। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी नहीं करना। सबसे पहले अपन सब कुछ डिफाइन करते हैं। टोटल 52 पत्ते, एक पत्ता सेलेक्ट करना था तो उसके लिए मैंने लिख दिया 52C1। 52C1 कन्वे करता है कि हमने 52 पत्तों में से एक पत्ते को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, वो जो पत्ता हमने सेलेक्ट किया वो फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड होने के लिए टोटल हमारे पास फेस कार्ड होते हैं 12, अभी मैं लिख के बताया था, राजा, रानी, गुलाम, एक के चार, तो तीन चौके 12 में से एक चाहिए, तो हो जाएगा 12/52। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स में और जाएगा 3 टाइम्स में, तो इसका 3/13 विच विल बी द राइट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 3/13, ऐसे आप इत्मीनान से देखेंगे। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 ताश की गड्डी में से, पत्तों की गड्डी में से दो पत्ते निकाले गए हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो कि दोनों ही किंग हो जाए। ठीक है भाई, चलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो चाहिए बटा सब कुछ, 52 में से दो पत्ते निकाले तो वो हो गया सब कुछ, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो जो दो पत्ते निकाले हैं वो किंग होने चाहिए। टोटल किंग कितने होते हैं वहाँ लिख के दिया था, टोटल किंग होते हैं 4, आपको कितने की ज़रूरत है, 2, तो इसके लिए जाएगा 4C2। तो जैसे इसको आप सॉल्व करें तो जाएगा 4×3/52×51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×1=13 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 17 और ये 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/13×17। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, जो भी मल्टीप्लाई करोगे ये इसका राइट आंसर होगा। आगे ही बात समझ पे, कंफर्टेबल है अपन? ओके ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, हम लोग चल रहे हैं अगले वाले सवाल पर। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट, दो कार्ड निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक स्पेड हो जाए और एक हार्ट हो जाए। तो टोटल हो जाएगा 52C2, एक स्पेड होना चाहिए और एक हार्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, स्पेड के टोटल, स्पेड अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, स्पेड के टोटल होते 13 पत्ते, तो ये हो गया 13C1। एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब इसके पहले लेक्चर सीरीज में बता चुका हूँ, उसको पहले सुन के आइएगा। एंड का मतलब होता है इनटू, हार्ट होना चाहिए, हार्ट भी यहाँ पर लिखा था, होते 13, तो हो गया 13C1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13×13/52×51, तो ये इससे कैंसिल होगा 4 बारी में, तो ये जाएगा 13/4×1=4, 5×4=20, 204 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गए शुरू के 3 क्वेश्चंस का जवाब। ठीक है, आप इसे इत्मीनान से देखो, ये बहुत ही बेसिक लेवल था, बहुत ही बेसिक ले मैंने क्या किया, इसको जो है कन्वे कर दिया। अभी नेक्स्ट वाला जो है वीडियो में मैं थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लूँगा टाइप 2 के ही, बने रहिएगा और भी बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। जल्दी मिलते हैं।